दोस्तों नमस्कार, स्वागत है जी आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों आज हम कंपेयर करने वाले हैं जी 50 HP के सेगमेंट के दो ट्रैक्टरों को जी, जिसमें एक है जॉन डियर कंपनी का, मानी तानी कंपनी का जी 5210 गियर प्रो, और दूसरी तरफ है जी भारत में ही पूरी तरह तैयार किए जाने वाला इंडो फार्म का 3048। दोनों ही ट्रैक्टर जो हैं साथियों 50 HP के ट्रैक्टर हैं। तो दोनों ही ट्रैक्टरों के जो है आज हम बात करेंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और इनके जो रेट हैं जी उनके बारे में भी, दोनों ही ट्रैक्टरों को कंपेयर करेंगे जी। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं जॉन डियर 5210 की जी, साथियों ये ट्रैक्टर 50 HP में आता है जी, 3 सिलेंडर है और 2900 cc का इसके अंदर जो है इंजन दिया गया जी, जो कि इकोनॉमिक चक्कर अपने 1500 पे जी, और फुल पावर जो अपनी जनरेट करता है ये ट्रैक्टर 2200 रेटेड RPM पे जनरेट करके देता है जी आपको। और ये ट्रैक्टर विद टर्बो है जी, और इसके अंदर जो पंप लगा हुआ है वो इनलाइन पंप है जी, इनलाइन पंप लगाया हुआ है इसके अंदर। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ इंडो फार्म की बात करें तो ये ट्रैक्टर जो है जी ये भी पूरे 3 सिलेंडर के साथ आता है जी, 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है और 2991 cc का इसके अंदर इंजन लगाया गया है, जो कि 2000 रेटेड RPM पे अपने फुल पावर आपको जनरेट करके देगा। अब बात करें अगर इसके टायर के साइज़ की, तो इसमें जो फ्रंट टायर है जी वो 750/16 के मिलते हैं जी आपको, और जो पिछले टायर हैं वो 14/9/28 के मिलते हैं जी, और इसमें 13 के टायरों का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये ट्रैक्टर 4 व्हील और 2 व्हील दोनों के अंदर उपलब्ध है। वहीं अगर हम बात करें जॉन डियर की जी, तो जॉन डियर के अंदर जो फ्रंट टायर आपको मिलने वाले हैं जी वो 650/20 के हैं, और जो पिछले टायर के अंदर आपको मिलने वाले हैं वो 16/9/28 के मिलेंगे, इसमें आपको 14/9/28 का ऑप्शन मिल जाएगा। ये भी ट्रैक्टर जो है 4 व्हील और 2 व्हील दोनों के अंदर उपलब्ध है। दोनों ही ट्रैक्टर जो हैं पावर स्टीयरिंग के अंदर उपलब्ध हैं जी। जॉन डियर जो है सिंगल साइड सिलेंडर के साथ आता है जी, और वहीं जो है इंडो फार्म है ये बैलेंसिंग रोड के साथ आता है जी। आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो है बैलेंसिंग रोड दी गई है। दोनों ही ट्रैक्टरों के जो फ्रंट एक्सल हैं वो नॉन एडजस्टेबल एक्सल आपको मिलने वाले हैं जी। दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको जो है ड्राई टाइप के एयर क्लीनर मिलने वाले हैं, दोनों ही ट्रैक्टरों में ड्राई टाइप के एयर क्लीनर मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें दोनों ही ट्रैक्टरों के ट्रांसमिशन के बारे में, तो साथियों जॉन डियर जो है वो साइड शिफ्ट के साथ आता है जी, इसके अंदर आपको जो है कॉलर शिफ्ट वाला गेयरबॉक्स मिलता है जी, जिसके अंदर आपको ABCD गेयरबॉक्स मिलेगा, और इसकी जो मिनिमम स्पीड है वो 2.5 किलोमीटर से लेकर के 32 किलोमीटर की है जी, और जो रिवर्स स्पीड है इसकी वो 1.75 से लेकर के 11.60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ट्रैक्टर जो है पीछे चल सकता है जी। वहीं अगर हम अब इंडो फार्म के बारे में बात करें तो ये ट्रैक्टर भी जो है साइड शिफ्ट के साथ आता है जी, और इसके अंदर जो है 8+2 वाला गेयरबॉक्स आपको मिलता है जी, साइड शिफ्ट 8+2 वाला गेयरबॉक्स इसके अंदर आपको मिलता है, जो कि 2.5 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर की आपको जो है स्पीड देता है जी फॉरवर्ड। उसके बाद बात करें हम अगर दोनों ही ट्रैक्टरों के जो है क्लच और ब्रेक के बारे में, तो इंडो फार्म के अंदर जो आपको जो क्लच मिलता है जी वो सिंगल और डुअल दोनों में उपलब्ध है जी, और इसके जो ब्रेक हैं वो OIB टाइप के दिए गए हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 540 और जो है PTO मिलती है जी, रिवर्स और 540 आपको इसके अंदर PTO मिलने वाली है। वहीं अगर हम अब जॉन डियर की बात करें तो साथियों इसके अंदर आपको डुअल क्लच मिलता है जी विद इंडिपेंडेंट PTO लीवर, और इसके जो ब्रेक और जो आपको ब्रेक मिलने वाले हैं वो सस्पेंडिंग टाइप के हैं जी, जिनको आप खड़का सा दबाने से भी ये ट्रैक्टर जो है एकदम से काम करता है। और इसकी जो PTO HP की बात करें तो वो आपको मिलती है जी 42.8 HP की, इसके अंदर आपको PTO पावर मिलती है जी। वहीं अगर हम अब इस ट्रैक्टर की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलती है जी 42 HP की PTO। तो साथियों अगर हम बात करें अब दोनों ही ट्रैक्टरों के एडिशनल फीचर्स के बारे में, तो साथियों जॉन डियर के अंदर आपको जो है दोनों साइड जो है हीट प्रोटेक्टर मिलता है जी, इंडो फार्म के अंदर आपको हीट प्रोटेक्टर नहीं मिलता है जी, दोनों के जो प्लेटफॉर्म है वो सेम ही है जी। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जॉन डियर के अंदर भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म है और उसके अंदर भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जी। दोनों ही ट्रैक्टरों के अंदर आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे जी, इंडो फार्म के अंदर भी और इसके अंदर भी। इंडो फार्म के ऊपर जो है आपको ट्रैक्टर के जो है
जो है बैठने के लिए कंडक्टर साइड में जो है काउशन दिए गए हैं, जबकि जॉन डियर के ऊपर आपको काउशन नहीं मिलने वाले हैं जी। उसके बाद बात करेंगे दोनों ट्रैक्टरों की सीट की, दोनों ट्रैक्टरों की जो सीट हैं वो एडजस्टेबल सीट वगैरह दी गई हैं जी। दोनों ट्रैक्टरों की सीट एडजस्टेबल है। और इस ट्रैक्टर की जो लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो इस ट्रैक्टर की जो लिफ्ट कैपेसिटी है वो लगभग 1600 kg दी गई है जी। और वहीं पर अगर जॉन डियर की बात करें तो उसके अंदर आपको 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है जी। पिछला जो एक्सल इसके अंदर आपको मिलने वाला है वो स्ट्रेट एक्सल दिया गया है, और उसके जो जॉन डियर का 52 ट्रैक्टर है उसके अंदर आपको जो है पिछला जो हिस्सा दिया गया वो पैलेंट्री ड्राइव के अंदर आपको मिलने वाला है। वहीं अगर हम दोनों अब ट्रैक्टरों की जो है कीमत की बात करें तो साथियों दोनों की ही ट्रैक्टरों की कीमत के अंदर लगभग 2 लाख रुपये का फ़र्क है जी। ये ट्रैक्टर जो है जी 6.25 लाख रुपये का है, इंडोफार्म 3048, और वहीं पर जॉन डियर जो है ये 8,20,000 रुपये का है जी। तो अगर आप जब लेना चाहो तो मौके पर ले सकते हो। वैसे अगर बात करें दोनों ही ट्रैक्टरों के कंपैरिजन की तो साथियों दोनों ही ट्रैक्टरों की जो क्राफ्टिंग है यानी कि जो बुनाने का तरीका है, जो फिनिशिंग है, वो बहुत ही अच्छी बनाई गई है जी। जैसे जॉन डियर की आपको अलग ही नज़र आएगी कि बिल्कुल स्मूथ और फिनिशिंग आप दे सकते हैं, बहुत ही लाजवाब इसकी फिनिशिंग आपको मिलने वाली है। वहीं पे अगर हम अब इंडोफार्म की बात करें तो इसकी जो फिनिशिंग के बारे में बात कहूँ मैं तो इतनी खास आपको फिनिशिंग नहीं मिलने वाली है जी। इसके ऊपर थोड़ा सा कंपनी को जो है अभी अपना ध्यान देना पड़ेगा जी। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।